नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप। आपने फाउंटेन पेन देखा हुआ है, ठीक है। फाउंटेन पेन बच्चों कुछ इस तरीके का होता है शेप का, ऐसा, ठीक है। ये इसका बैरल है, बैरल मतलब जहाँ पे इंक भरी जाती है ना, तो ये जो बैरल है जिसमें इंक भरी जाती है, थोड़ा मैं पेन आपको बड़ा करके दिखा दूँ तो आपको चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, ये बैरल, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे निब होती है फाउंटेन पेन की, यहाँ पे ऐसे यहाँ से आप लिखते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो बैरल है इसका शेप सिलेंड्रिकल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप। तो बस बैरल आप चेक करिए, ये वाला बस बैरल चेक करिए, निब नहीं चेक करो आगे की, ये नहीं चेक करो, ठीक है, ओनली बैरल। तो इस 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ध्यान से चेक करिए, सिलेंड्रिकल है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये लेंथ कितनी है बैरल की, 7 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, ये 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद 5 mm इन डायमीटर। अब देखो बच्चों, ध्यान से करो, इसका डायमीटर कितना है, सही से बना देते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, ये ऐसे। तो इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर क्या है, 5 mm, ठीक है, कोई डाउट है। तो बच्चों यहाँ पर आप डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हो। अच्छा एक काम करो, इससे पहले, हाँ चलो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना आ जाएगा, 5 / 2। भाई डायमीटर को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस आ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम का खेल तो हो गई, तो हमने यहाँ पे रेडियस इसका निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 5/2। चलो 5/2 ही इसको करके, 5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, क्या यूनिट क्या है, मिलीमीटर, mm। अब आपने अपनी स्केल देखी होगी, ये स्केल आप अपनी उठा के देखिए, ठीक है। तो ये स्केल जिससे आप काम करते हो, तो इसमें 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, बाई 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10, ठीक है। यानी कि 2.5 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो। मोटी मोटी बात बताऊँ, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं या तो 10 से डिवाइड करते हैं, बात क्या है, सेम है। तो उसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो रेडियस को, यानी कि 2.5 / 10 करोगे तो मिलीमीटर किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में। अब बताओ जब इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट एक प्लेस और लेफ्ट में आ जाएगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इस तरीके से करें, भाई पॉइंट हटा दो नीचे 0 हो जाएगा। बताओ 25/100 क्या होता है, 0.25 ही तो होता है, यानी कि रेडियस कितना हो गया, इस बैरल का रेडियस कितना हो गया, 0.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों कर लिया भाई, अभी वॉल्यूम का खेल होगा तो हाइट का जो यूनिट होना चाहिए वही आपका किसका होना चाहिए, रेडियस का। तो दोनों को हमने सेंटीमीटर में कर लिया, मतलब हाइट तो है ही सेंटीमीटर में और रेडियस मिलीमीटर में आ रहा था, तो उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करके, बात समझ में है कि नहीं। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन इज यूज अप ऑन राइटिंग 3300 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। बच्चों समझो, कह रहा है कि जब हम इसमें एक बार इंक पूरी फिल कर लेते हैं ना, इसमें बैरल में ड्रॉपर से डालते होंगे या जैसे भी डालते होंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम इंक फिल कर लेते हैं तो ये कितने वर्ड्स लिखता है ऑन एन एवरेज, 3300 वर्ड्स, ओके, 3300 वर्ड्स लिख देता है, ठीक। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन द बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 of a liter। बच्चों सुनो सुनो, एक आपके पास इंक की बॉटल है, आइए जरा इंक की बॉटल बना लेते हैं। ये इंक की चेल पार्क वैसे तो नाम होता था कंपनी का हम लोग जब छोटे थे, तो ये देखिए ये बॉटल है बच्चों, इंक की बॉटल है, ठीक। ये क्या है आपकी बॉटल ऑफ इंक, ओके। तो ये बॉटल ऑफ इंक है, अब ध्यान से करो बच्चों, इस बॉटल ऑफ इंक में कितना इंक है, मान लो ये पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, लेकिन इसमें कितना इंक है, पढ़िए जरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 of a liter, ऑफ आ लीटर, आ लीटर का मतलब क्या होता है, आ का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर का हमको कितना पार्ट लेना है, 5th पार्ट, पढ़ लो बच्चों। ये जो बॉटल ऑफ इंक है ये कितना इंक कंटेन करती है, इसमें कितना इंक है, कंटेनिंग 1/5 of 1 liter। तो देखिए 1/5 of का मतलब इंटू 1 liter, यानी कि 1 लीटर का 1/1 लीटर का 5th पार्ट, 1/5 क्या होता है, 5th पार्ट, 1/5 of 1 liter, 1/5 का मतलब 1/5 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू 1 लीटर, तो कितना आ जाएगा, 1/5 लीटर।
अब सुनो, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया वो इस तरीके से सोच लो कि भाई एक लीटर है हमारे पास, एक लीटर के हमने पांच हिस्से किए, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट के, अरे इक्वल समझ लेना, 5 इक्वल पार्ट्स में से हमें कितना पार्ट लेना है, ओनली 1, ये मतलब है इसका। और 1/5 ऑफ अ लीटर का मतलब हो जाएगा 1/5 लीटर ही इसका मतलब, बात समझे नहीं? तो यहाँ पर 1/5 लीटर, 1/5 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, चेक करो, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1 को डिवाइड करो 5 से, करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पर फिर भी अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, ये 1 को 5 से डिवाइड करो, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, सही है ना, 0.2 आ जाएगा, 0.2 लीटर्स। चलो करना हो तो कर लो पॉइंट में, जा उससे कुछ रहा नहीं, तो 1/5 का मतलब कितना हो गया, 0.2 लीटर्स। अब मेरी बात फिर से सुनो बच्चों, इस बॉटल में कितनी इंक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1/5 ऑफ अ लीटर, मतलब कितनी इंक है, 0.2 लीटर्स। अब लीटर को किसमें चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, लीटर को किसमें चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, बात समझो, बता रहा हूं अभी क्यों, लीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, याद करिए, हमने आपको बता रखा है बच्चों क्या, कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर्स होता है, ये हमने आपको बता रखा है कई बार, ठीक है ना, यानी कि इसको आप ऐसे पलट दो अगर इस इन्फॉर्मेशन को, तो आप बोल सकते हो कि भाई 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, भाई 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है तो 1000 लीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मीटर क्यूब, सही है ना। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 मीटर क्यूब। अब ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 100 इंटू 100 इंटू 100 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 लीटर्स में कितने हो गए, इतने सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 लीटर्स में इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गए, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 1000 से 1000 इधर आएगा, डिवाइड लग जाएगा। अब तो कितनी बार करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, तो मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो याद हो गया होगा आपको कि भाई 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये 2 0 यहाँ से कटे, 1 यहाँ से, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने आपको कई बार बताया, ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो 1 लीटर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 0.2 लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, सोचो, 0.2 को हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे भाई चेक करो, 1 लीटर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हैं, तो 0.2 लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 0.2 × 1000 क्या, सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम जो बॉटल में इंक है उसका वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा यहाँ से, ठीक, कितना आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, 0 0 कैंसिल, 2 × 100 कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब, बस में 1/5 लीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बॉटल में कितनी इंक है, 1/5 लीटर्स बोलो, या फिर आप क्या बोलो, 200 सेंटीमीटर क्यूब, बात क्या है, सेम। अब सुनो, इस इंक से, इस बॉटल से ही तो निकाल निकाल के आप बैरल में इंक डालोगे, ठीक है। अब ऐसे मान लो आपके पास n बैरल है, कितने बैरल्स हैं, n बैरल्स हैं, भाई चेक करो ना, इससे इंक निकाल निकाल के आप इस बैरल में डालोगे, तो ऐसे आपके पास n पेन्स हैं, सपोज n, तो सोचो वॉल्यूम ऑफ दिस इंक, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल ऑफ द इंक इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल, चेक करो ना भैया, इसी से तो खाली कर करके भरोगे ना, कितने पेन में भरोगे, मान लो आपके पास ऐसे n पेन्स हैं, स्मॉल n पेन्स हैं, तो n इंटू 1 पेन का वॉल्यूम, 1 पेन के बैरल का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बॉटल का वॉल्यूम, मान लो बॉटल खत्म हो जाती है, कितने पेन भरने में, कितने बैरल भरने में, n बैरल भरने में, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पेन, n की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएंगे कितने बैरल भरेंगे, ठीक, और 1 बैरल से कितने वर्ड्स लिख सकते हो तुम, 3300, तो n की जो भी वैल्यू आएगी, तो उतने बैरल से कितने वर्ड्स लिख लोगे, 3300 को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आई कि नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ओके, तो आइए जरा आपको दिखाते हैं बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। लेट वी कैन फिल n बैरल्स, लिखेंगे हम अपनी कॉपी में, लेट वी कैन फिल, लेट वी कैन फिल मैक्सिमम, वी कैन फिल मैक्सिमम, वी कैन फिल मैक्सिमम, मैक्सिमम मान लो एक ही बैरल है, उसको n टाइम्स आप भर सकते हो,
भरते हो फिर लिखते हो खत्म हो जाता है, फिर भरते हो फिर लिखते हो खत्म हो जाता है, इसमें से इंक इसमें जा रही है कि नहीं, और सपोज इसको एन टाइम्स भर देते हो आप, ठीक है ना। तो लेट अस से वी कैन फिल मैक्सिमम एन टाइम्स द गिवन बैरल, ओके, एंड इंक ऑफ बॉटल and after filling n times the barrel, ये barrel की spelling थोड़ी सी mistake हो रही मेरे से, after मेरा concentration बच्चों question पे है, after filling n times the barrel bottle ink of bottle get exhausted. मतलब बॉटल की इंक खत्म हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द बैरल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल ऑफ इंक, ओके। तो यहां से देखिए एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बैरल कितना हो जाएगा, ये बैरल तो आपका ये देखिए नाम में रख दे रहा हूं ए बी सी डी, इसको निप को नहीं देखना, इसको मत देखो, ठीक है। तो ये बैरल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फोर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, रेडियस अभी भी आपने निकाला था 0.25, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका 0.25 का स्क्वायर, ध्यान चेक करो, एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर, एच कितना है इसका 7, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉटल ऑफ इंक, इंक कितनी है इस बॉटल में 200 सेंटीमीटर क्यूब अभी निकाला था आपने, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब ध्यान चेक करो ये रेडियस भी किसमें सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, और हाइट किसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, क्योंकि एन का कोई वैल्यू एन का कोई यूनिट तो होता नहीं, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो एन इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब देखिए 7 × 7 = 7 यहाँ से कट गया, ठीक। अब एन के साथ 22 और 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में एन इज इक्वल्स टू 200 और सेंटीमीटर अब हटा दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया होगा, 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 22 इंटू 0.25 का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 22 इंटू, अब ध्यान दें 0.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25, सही है, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ से हम कैंसिल करते हैं किससे 2 से, ये 11 टाइम्स जाएगा, 2 11 से 22 और 2 1 जा यहाँ कितना आ जाएगा 00, तो 100/11 आ गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो एक 100 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि भाई दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। बात वही पड़ेगी, पॉइंट हमने चेंज कर लिया तो लफड़े हो रहे हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से करो 25 × 25 = 100, ठीक है। 4 × 4 = 16, 16 × 100 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1600 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 11 हो गया, कोई डाउट है बताइए। अब सुनो बच्चों एक बार बताऊँ, सुनो यहाँ पे n की जो वैल्यू आई है, ध्यान देना, n की जो वैल्यू आई है बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पे आई है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, समझिए जरा। देखिए n की जो वैल्यू आई है बच्चों वो आई है आपके अभी कितनी 1600 डिवाइडेड बाय 11। अब सुनो, पता है बच्चे यहाँ पर क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर एक काम करिए 1600 को 11 से डिवाइड लगा दीजिए, पॉइंट में ले, क्यों ले आए पॉइंट में, ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक होल नंबर में नहीं मिलेगा आपको, पॉइंट्स में मिल जाएगा ना कुछ, उन्होंने हमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि भाई लगभग कितने बैरल भर जाएंगे, ये तो नहीं पूछा है, उन्होंने ये पूछा है ऑन एन एवरेज कितने वर्ड्स लिखोगे। तो सोचो भाई एन की कुछ वैल्यू हो रही होगी, लाओ मैं कैलकुलेटर से करके तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैं पॉइंट में नहीं निकालूंगा, मेरी बात सुनो क्यों, उसका कारण है
ठीक है, जैसे कि ये 1600 डिवाइडेड बाय 11 आ रहा है, 145.45 आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 145.45 और आगे भी चल रहा है, ये हम नहीं लेंगे। क्यों भाई? देखो एक बात बताओ, तुमने क्या बोला होगा, जैसे तुम दूध दूध पीते हो तो तुम क्या बोलते हो? भाई मैंने ना ढाई बॉटल दूध पी गया, ढाई बॉटल दूध मतलब दो तो पिया ही, आधा भी पी गया। कोई बोलेगा मैंने 2.4 बॉटल दूध पी गया, यानी कि 2 बॉटल तो पिया ही और थोड़ा सा और पिया, उसको हमने 0.4 बोल दिया, पास जो। ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्टली नंबर ऑफ बॉटल्स हमें नहीं मिल पा रहा है, नंबर ऑफ बॉटल कह रहे हैं सॉरी, एग्जैक्टली हमें नंबर ऑफ बैरल्स नहीं मिल पा रहा है, मतलब 145 बैरल तो भरेंगे ही भरेंगे और थोड़ी सी इंक बाद में इसमें बच जाएगी जिसको उठा के हम डालेंगे, वो कितना होगा 0.45। ठीक है, नंबर ऑफ बैरल नहीं पूछा था, लेकिन हमें पता तो चल गया हाँ भाई इतने नंबर ऑफ बैरल्स लगभग होंगे। इसका भी अपने आप में कुछ मीनिंग है कि 145 बैरल तो भरेंगे भरेंगे, थोड़ा सा और उसमें आधे से थोड़ा कम भर जाएगा, क्योंकि भाई 0.5 कितना होता है, आधा, आधे से कम 0.4, बात समझे? उससे भी तो कुछ ना कुछ लिखोगे। ठीक, अब सुनो एक बार बताओ, यही आपके नंबर ऑफ बैरल्स हैं, इसी को आप मान के चलेगा। एक बार जब आप फुल बैरल भरते थे तो कितने वर्ड्स लिखते थे? 3300। तो n टाइम्स जब आप बैरल भरोगे तो कितने वर्ड्स लिखोगे? n को 3300 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरी बात एक और सुनो ध्यान से, मैंने n की वैल्यू पॉइंट्स में क्यों नहीं निकाली पता है? क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई एक बार बैरल भरता हूँ तो 3300 वर्ड्स लिखता हूँ, तो इतनी बार जब बैरल भरूंगा, जब इसको इस 3300 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से करो, 11 33 को काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा ना, तो पॉइंट मिलाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज गिवन बाय, ये ब्लू इंक एक तो रब नहीं होती यहाँ से, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम लिख सकते हैं इज गिवन बाय ये जो n का वैल्यू आया है, क्योंकि n बैरल भर सकते हो और एक बार बैरल भरते हो तो कितने वर्ड्स लिखते हो? 3300 वर्ड्स, तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? n इंटू 3300, n का वैल्यू कितना है? 1600 डिवाइडेड बाय कितना है? 11 है, ठीक है, इंटू 3300, देखो 11 बन जाए 11, 11 थ्री जा कितना हो जाएगा? 33 और ये आ गया 0। अब देखो 16 थ्री जा कितना होता है? 48 और 1 2 3 4 0 हो गए, तो 1 2 3 4 0 हो गए। ठीक है, 480,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, कितने? 480,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। बताइए कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ओके, लेट मी चेक द आंसर, कभी कभी गलत हो जाता है। 480,000 वर्ड्स, ओके बिल्कुल सही आंसर है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कितना, कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? फोर्थ ना, हो गया ना फोर्थ। ओके, तो इसको कॉपी कर लें सभी बच्चे, जिनको कॉपी करना हो कर लीजिए।